बड़ो बहू। सगाई की रस्म शुरू की जाए? तुम तो न्यू कह रहे थे अविनाश ने खास नाचने गाने वाले बुलाए हैं। जी जरूर, वो भी आते ही होंगे। अरे आता ही ना होगा जी, मैं तो आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ तितली, ये सगाई मैं ना होने दूंगा। रुक जाओ, जिस मुच्छर सिंह से मैंने बात की थी वो तो कोई और ही है। बोल, तू कौन है? कहीं जालिम सिंह ने मने पहचान तो न लिया से? तितली थारी शादी मैं जालिम सिंह से ना होने दूंगा। चलो फिर सगाई के रस्म शुरू करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, हमेशा हमेशा के लिए भारी होने के वास्ते। वो जालिम सिंह, चल तितली। पर अगर आप तितली ना हो तो फिर सर तितली गई कहाँ? तुमने देरा है, मारा कितना नुकसान। ऊपर तो पूरा गांव मारी मजाक उड़ाया। इब नंबर वन मने गांव वाले कदे भी नहीं मान सकते, और बड़ों को करता ही छुपा कर रखूंगी मैं। तितली कहीं मिली ना रही है, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं दिखाई ना दे रही है वो। क्या? वहीं रुक। जो मुच्छर सिंह ना मुझे अगवा करके ले आया था घर था, कौन था रे तू? पता तो चले आखिर इसने तुझे अगवा किया क्यों? मासी माजी, ये बात हो गई, आप ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ पायल, पर बड़ों से ना घनी नाराज हूँ। अपना घर छोड़ के कोई इतने दिन के लिए जाता है क्या? फिर कोई भी काम हो, कोई भी तपस्या हो, कोई भी पूजा हो, कितने दिन हो गए बड़ों को गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ जी, पर पता नहीं आपने भी इसकी बातें सुन के बड़ों को इतनी कठोर तपस्या करने भेज दी। बुरा मत मानिए माँ जी, पर आपने भी बेरा है। बड़ों इस वक्त यहाँ होती तो ये सब गड़बड़ हो ही ना रही होती। अगर होती भी तो वो संभाल लेती। गलत कह रही हूँ क्या? ना ना पायल, बात तो तू सही कह रही है। बड़ों के पास तो हर समस्या का समाधान है। माँ जी आप मन्ने एक बात बताओ, इस छोरी के लिए बड़ों इतनी तपस्या करने लाग रही है, कितनी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है, उसका बाप पुना देख रखे? और इस तरह करेगी वो तो बड़ों के इतनी कठोर तपस्या करने का क्या फायदा है? माँ जी मन में कुछ ठीक ना लग रहा। अरे ये बच्चे की जान लोगे के? उस्ताद जी मारी बात मानो, मन में कुछ ना पता से कुछ ना मालूम से छोड़ दीजिए मन में। तुझे पता चलेगा मेरे से पंगा लेने का मतलब, चूजा कहीं का। मन में चूजा मत बोलिए। अरे मतलब मन में चूहा बोल लीजिए। उस्ताद जी मन्ने कुछ ना पता से मैं तो अपने दोस्त की मदद कर रहा था। इबियो आपका साथी आपकी मदद करेगा तो इसमें क्या बुरा से? कड़ा आया मदद करने वाला। आज तेरी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई है। आज तक मेरे संगीत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी कार्यक्रम में जाने का वादा किया हो और मैं समय पर ना पहुँचा हूँ। इस नुकसान की भरपाई तो तुझे करनी ही होगी। अरे बाप की जो भी भरपाई से ना वो लावत निवास में हो जाएगी, इसमें मारी के जरूरत से। बोला ये फकर यार, किसी की नजर मेरे पे पड़ गई तो लक्की भाई फंस जाएगा और मैं उसे एक बार फिर से दोबारा ना फंसा सकता। मन्ने मारी डालोगे के? मन्ने मन्ने सांस तो लेने दो कि मारी लाश अंदर लेके जाओगे तुम। उस्ताद जी वो देखिए, अबे उधर दिख नारा से वो देख चिट्टा कबूतर, अबे वो देख ऊपर। भाग गया, अरे भाग गया, पकड़ पकड़ पकड़, भाग गया, अबे भाग गया,
आ गया। ये तो बिल्कुल मच्छर से लग रहा है। ये जालिम हिंगे गुस्से से कोई ना बच सके, भागो जान बचा के। रघुवीर जी, ये भी वो बात बातों से आगे बढ़ चुकी से। तू कहना क्या चाहता है संग्राम सिंह? यही, लखन ने बहुत बड़ा बवाल किया से, हरी सगाई से दुल्हन को अगवा किया से। यो कोई मामूली बात ना से। इस मामले में सजा का फैसला गांव के पंच करेंगे। अब की बात आपको यो टाट टपट करके दो चार झापड़ लगा के मामले को रफा दफा करने ना दे देंगे। अच्छा, तो इस मामले पे भी फैसला सारा गांव मिलकर ले बैठे। ठीक सर, पर यो फैसला लेने वाले आप कौन हो सो? यो मामला आपके घर का तो फैला ना, यो मामला तो रघुवीर बापू जी के घर का से। तो इस मामले में आप कौन हो सो यो फैसला लेने वाले के कौन फैसला लेगा और कौन ना लेगा? अरे एक बात और बता दूं मैं आपने, इस मामले में आप बीच में ना अपने आप ने ले आओ ना, तो आपके स्वास्थ्य के लिए घना बढ़िया होगा। भलाई का तो जमाना ही ना रह गया से। देखो देखो देखो, जिस छोरी को बचाने के लिए मैंने इतनी भागदौड़ मचाई से, वो छोरी मन नहीं आप दिखा रही से। तो सुन ले छोरी, यो मामला थारे और रघुवीर सिंह जी के परिवार का ना रह गया से। हे भोलेनाथ, मन ने घनी बेचैनी हो रही है, लक्की जी की रक्षा करना भोलेनाथ। लक्की जी, क्यों क्या बोल रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? लाखा कैसे गुनहगार हो सकता है? हुआ यही है मालती, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा से। ये देख इसको, इसके हुलिये को देख, इसके कपड़े देख, और कितने सबूत चाहिए तारे को? देखो भाइयों, यहां सब लोग ये जाने से और माने भी से, रघुवीर सिंह जी कभी झूठ ना बोले से। इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे से बिल्कुल सच से। ना, मैं ना मानती हूँ सर, यू कैसे हो सकता है? लाखा बेटा, क्या सच है बोल देना बेटा। सच तो बताना ही होएगा मालती बहन, और वो भी सारे पंचायत के सामने। बस संग्राम सिंह, बस। पंचायत कल बैठेगी, पर यो लाखा की सजा का फैसला तो आज ही होएगा। इसी मुश्किल घड़ी में रास्ता कंधे तक कंधा मिलाकर साथ देंगे बापू, और कल पंचायत जो भी फैसला देवेगी, सजा की आधी भागीदार या तितली भी बनेगी। लाखा पे जो भी बीतेगी, वह तितली पे भी बीतेगी। लाखा, मैं हूँ तितली। अरे देख, सारी मन पसंद के परात ले गई सुबह से मैं। लाखा, कहीं ऐसा तो ना सके। विभू 16 साल का था, कुछ गुंडे मेरे घर में घुस आए, फैंस पे घसीटते हुए ले गए और मेरा मुंह कमोड में ठूंस दिया। विभू, इसने मुझे बचाया। क्या बात कर रहे हैं? वो देखने से बहुत शर्मीला लगता है। शर्मीले कम, भोंदू ज्यादा लगते हैं। विभू के चाचा जी हैं, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ब्रिजपाल मिश्रा। वैसे तिवारी जी, आप क्यों नहीं बताते अपने खानदान के बारे में? कोई तो होगा इज्जतदार आपके खानदान में जो विभू के चाचा जी से उनका मुकाबला कर सके।
गोपियों की सहायता के लिए मलय पर्वत जा रहे बलराम तथा कान्हा का मार्ग रोकती है लावा से भरी खाई। समस्त ऋषियों के तपोबल भगवान कंस तुम्हारा आह्वान करते हैं, प्रकट हो। उधर कंस गोपियों के भीतर विद्यमान पूर्व जन्म के तपोबल को निकाल ले जाता है अपने साथ। कैसे करेंगे कान्हा भक्त और भक्ति की रक्षा? अरे हम लोग तो पितृ पूजन के लिए गए थे। सृष्टि बहु घर से गायब है, मोस्टली किताबें फैली पड़ी हैं। सच सच बताओ, हरिनगर से कोई लड़की उठाए हो? समझ में आया कि आप दोनों भी पति पत्नी हैं। ये तुमको पता है कि मैं रागिनी का पति? हाँ, लेकिन जब अभिमन्यु को पता लगेगा तो क्या होगा? बैंड बजेगा। अभी तक नाराज है मुझसे? पिंकी, पापा को बोलो ना कि साथ में चले। अब आप जब चाहे हमें देख सकते हैं Z5 पर। देखिए 12 भाषाओं में टीवी शोज, मूवीज, ओरिजिनल शोज और भी बहुत कुछ। डाउनलोड कीजिए Z5।